हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपको YouTube चैनल दिलीप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। दोस्त, आज बात करने वाले हैं, जमीन का एक न्यू पोर्टल आया है, उस पोर्टल को जानकारी लेंगे जो इसमें क्या खास बात दी हुई है, पहले वाला से बेटर है या अनबेटर है, इसकी जानकारी हम पोर्टल पे खुद लेंगे। तो इसमें फीचर में आपको बता दें, इसमें बहुत सारा फीचर दिया है, खाता खेसरा निकालना, जमाबंदी निकालना, जमाबंदी को ऑनलाइन तरीके से मंगाना और नक्शा का भी ऑनलाइन तरीके से मंगाना। इसमें न्यू पोर्टल दिया गया है, कुछ सर्वे के अनुसार से कुछ पोर्टल में अगर दिक्कत आती है तो बाद में अगर ट्राई कीजिएगा उस पोर्टल से आपको सुविधा मिलेगी। तो चलिए हम पीसी पे बात करते हैं जो कैसे इसकी जानकारी को हम निचोड़ेंगे, जो क्या क्या इसमें दिया है, हमारे गांव का दिया है कि नहीं, मेरे स्टेट का दिया है कि नहीं, मेरे पंचायत का है कि नहीं। तो पोर्टल में आपके पंचायत के नहीं दिए हो तो कुछ वेट कर लीजिएगा, कुछ दिन के बाद अप टू डेट कर देने के बाद आपके पोर्टल पे भी जानकारी यहाँ पे मिलने लगेगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो इसकी जानकारी आप लेते रहिएगा। तो चलिए चलते अपने न्यू पोर्टल को जानकारी ले लेते हैं। तो चलने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे किसी को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप इस साइड पे आ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा bhuabhilekh.bihar.gov.in। तो इस तरह आप गूगल में भी टाइप कीजिएगा, जैसे हम टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए भू अभिलेख, टाइप करते हैं भू अभिलेख बिहार टाइप कीजिएगा तो एक न्यू साइट खुलेगा, देखिएगा भू अभिलेख bihar.gov.in। तो जस्ट यहाँ पे भू अभिलेख पोर्टल डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम दिया है, तो जस्ट इसी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए जिस साइट पे आपको बताया थे उसी साइट पे आप चले आए हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने में भी इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसके लिए देख सकते हैं इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता है, तो इसमें दो तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें एक दिया है डिपार्टमेंट लॉगिन, एक दिया है पब्लिक लॉगिन। डिपार्टमेंट लॉगिन में डिपार्टमेंट में जो है वही लॉगिन कर सकते हैं हम लोग, पब्लिक लॉगिन में जनरल आदमी पब्लिक लॉगिन में कर सकता है। तो इसके लिए पब्लिक लॉगिन पे जस्ट क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो और पासवर्ड नहीं हो तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं आपको ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो जस्ट इसी पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर चाहिए, तो एक मोबाइल नंबर दीजिएगा और जस्ट सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। पी डाल लेने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन दिया है, जस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए स्टार मार्क का मारा हुआ है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालना है और यहाँ पे अपना लास्ट नाम डालना है। जैसे मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ तो जस्ट अपना दिलीप डालेंगे और यहाँ पे अपना कुमार नाम डालेंगे, आपका जो पड़ता है यहाँ पे डालिएगा। और ईमेल आईडी कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, उसके बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। फुल हो चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, लॉगिन क्रेडेंशियल सेंड योर मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर पे आपके आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। आईडी में आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड में एक बहुत छोटा पासवर्ड दिया गया है, लॉन्ग पासवर्ड है लेकिन छोटा छोटा अक्षरों में अल्फ़ाबेट नंबरिकल करके दिया हुआ है। इस बहुत बार्गेनिंग से इसमें अपना पासवर्ड डालिएगा। तो चलिए हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद जस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही एक सक्सेसफुली OTP भेज दिया गया है, उसको आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। एक OTP आपको फिर से डालना है, उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए इस OTP का ऑप्शन आ चुका है, तो इसमें हम OTP को डालेंगे, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, डालकर सक्सेसफुल हो चुका है तो ओके पे क्लिक करेंगे और न्यू एक पासवर्ड बनाएंगे और कॉन्फर्म पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड में आपको देख सकते हैं एग्जांपल कुछ इस तरह का होने वाला है, इस तरह का आप पासवर्ड डालिएगा और जस्ट यहाँ पे देखिए सबमिट का बटन दिया है, जस्ट सबमिट के बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। ये पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और ये देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो डाले थे और पासवर्ड जो अभी चेंज किया है उसको डालिएगा और जस्ट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। OTP फिर से भेजा गया है और उस OTP को फिर इसमें फिलअप करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, तब जाकर हम प्रोफाइल में जाएंगे, तब जाकर इसका फीचर हम देख पाएंगे भीतर का। तो चलिए जस्ट OTP डालकर हम सबमिट पे जस्ट क्लिक करते हैं। चलिए हम पोर्टल में आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, यहाँ पे देखिए अपना आपका नाम वेलकम जो नाम डाले थे इसमें नाम आ चुका है और डायरेक्टली लैंड भूमि यानी न्यू सर्वे वाला पोर्टल आ चुका है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप पूछ रहा है, यानी आप इसमें देख सकते हैं जी इसमें बहुत सारा फीचर दिया रहता है, तो आपको किस तरह का फीचर, आपको किस तरह का जमाबंदी खोजना है या आपको जमा पंजी या मैप मंगवाना है, इसमें सारी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अलाउटमेंट अपील कोर्ट केस
यानी DCLR जो होता है यहाँ से, और बिल बुक या चकाबंदी खतियान देख सकते हैं या मंगा सकते हैं, इसके लिए बुक भी कर सकते हैं, 20-30 रुपये का खर्चा आता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पंजी देखे, यहाँ पे मापी वाद अभिलेख, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया है। तो जस्ट चलिए एक हम उदाहरण के लिए एक किसी को हम जहाँ पंजी देखे पर जमाबंदी पंजी पे जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑफिस नेम यानी डायरेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफ द सर्वे न्यू सर्वे वाला जो है ऑफिस नेम ऑटोमेटिक आ चुका है। और उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट जिला, तो डिस्ट्रिक्ट जिला में देखिए अभी जस्ट भागलपुर और सारण के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो इसी को चलिए आपका अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं आता है तो न्यू सर्वे हो रहा है जिसमें न्यू सर्वे के अनुसार आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शो करने लगेगा और पोर्टल को अपटूडेट किया जाएगा। चलिए डेमो पर्पस के लिए हम इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए अंचल ऑफिस कर रहा है, तो यहाँ से आपका जो अंचल ऑफिस पड़ता हो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा ऑफिस। उसके बाद यहाँ से देखिए मौजा यानी कल है अभी स्लो चल रहा है, इसमें देखिए मौजा सेलेक्ट करने में ये परेशानी आ रही है, अभी न्यू अप टू डेट है, पूर्ण तरीके से इसको अप टू डेट नहीं किया गया है। तो इसके लिए चलिए एक और दूसरे जैसे चकबंदी खतियान में हम जस्ट क्लिक करके इसको देख लेते हैं जी इसमें क्या कह रहा है। तो चलिए उसके बाद यहाँ से देखिए चकबंदी खतियान में ही दो जिला दिया गया है, एक तो भोजपुर एक बक्सर के लिए। तो चलिए जस्ट एक क्लिक करके हम देखते हैं जी इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। मौजा एक ही दिखाई दे रहा है, थाना नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ से खाता नंबर, एक खाता नंबर डेमो पर्पस के लिए जैसे हम यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे खाता हम 24 कर दिया और खेसरा को इसी तरह रहने देते हैं और देखते हैं सर्च मार के जो खाता पर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो जस्ट खाता पे हम सर्च मारे हैं तो देखिए यहाँ से दे रहा है, यहाँ से डिजिटल कॉपी डिस्ट्राइट लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी इसको यानी यहाँ पे खाता हमें पता नहीं, हम दूसरे स्टेट से हैं जिसके लिए ए नोट रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है। आप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा, उसको जस्ट क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे जितना खाता खेसरा जिनके नाम से होगा वहाँ पे शो करने लगेगा। तो चलिए बैक आकर और फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो जस्ट हम बैक आ लेते हैं, जो होम पेज था उसी पे चले आए। तो चलिए जस्ट हम मैप के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जरूरत के अनुसार इसमें सर्च मार के देख सकते हैं। न्यू पोर्टल है तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है लेकिन बाद में आपको क्लियर होने लगेगा। उसके बाद चलिए जस्ट हम मैप पे हम क्लिक करते हैं। मैप पे जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है सर्च द व्यू मैप यानी सेलेक्ट एरिया, यानी आप देहात ग्रामीण एरिया से आते हैं या उर्बन या शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो जो आप आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम पूछ रहा है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता हो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने जो जिला का जो रिव्यू पड़ता हो उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो आपको मिलेगा मौजा सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको मौजा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मौजा सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे सर्च दिया है, जस्ट सर्च पे आप क्लिक कीजिएगा, नीचे आप कीजिएगा स्क्रीन को डाउन कीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका 1, 2, 3, 4 करके आप इसमें आ चुका है। यहाँ पे कटेंशियल सर्वर, रिविजनियल सर्वर और चकबंदी सर्वर और स्पेशियल सर्वर इसमें देख सकते हैं आपको ई दिया हुआ है। इसको रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी करना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे नाम और मोबाइल नंबर डाले थे वैसा आ जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइप ऑनलाइन दे रहा है इसमें, और रिक्वेस्ट फॉर यहाँ से सॉफ्ट कॉपी करना चाहते हैं या फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं या विथ डिजिटल सिग्नेचर के साथ लेना चाहते हैं या विथआउट डिजिटल सिग्नेचर के साथ लेना चाहते हैं, तो आपका जिस तरह का हो यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। जस्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जस्ट फिजिकल कॉपी पे क्लिक कीजिएगा तो डिजिटल सिग्नेचर आप इसी पे भी कीजिएगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे फिजिकल कॉपी पे कीजिएगा तो ऑटोमेटिक डिजिटल सिग्नेचर पे आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन शीट नंबर पूछ रहा है, यानी आपका यहाँ पे सीट आपका बुक कर सकते हैं, जैसे एक सीट लेना हो दो सीट लेना है तो यहाँ से सीट चलिए हम एक ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको जो 10 रुपया आपको टोटल अमाउंट और फिक्स्ड फीस है, यानी 10 रुपया 15 रुपया 25 रुपया हुआ। यहाँ से फ़र्क आपको डिजिटल सिग्नेचर और आउट डिजिटल सिग्नेचर में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे विथआउट डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मात्र 10 रुपया पे करना पड़ेगा। तो चलिए जस्ट विथ डिजिटल सिग्नेचर पर और फिजिकल कॉपी पे हम क्लिक कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे 25 रुपया आ गया। उसके बाद यहाँ पे करने के लिए आ रहा है सेंट एप्लीकेशन, तो जस्ट इसी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी और ऑर्डर नंबर और अमाउंट सब आ चुका है, तो स्क्रीन को आप डाउन कीजिएगा। स्क्रीन को डाउन करने के बाद यहाँ से देखिए मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए जस्ट इसी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए कि HDFC का बैंक खुल चुका है जिसको आपको 25 रुपये का पेमेंट करना है।
इसके लिए देखिए एक पे विथ का ऑप्शन है, इसमें देखिएगा तो HDFC का बैंक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑप्शन सबसे फर्स्ट में दिखा रहा है, लेकिन आपके पास इसमें HDFC का कार्ड नहीं है दूसरा, वो तो देखिए यहाँ पे दिया है अदर बैंक डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, नेट बैंकिंग से चाहते हैं तो इस पर, अगर UPI द्वारा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं, क्लिक नंबर नाम और मंथ से भी भर लेना है, तो उसके बाद यहाँ से आपको पे थ्रो या यहाँ से वीज़ा कार्ड है आपका या मास्टर कार्ड है या रुपीज़ कार्ड है इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कन्फर्म पेमेंट पे जस्ट क्लिक कीजिएगा तो आपका आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जस्ट OTP डालकर सबमिट कीजिएगा तो आपका जो मैप है जो आपका नक्शा है वो बुक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जो डेबिट कार्ड से नहीं करना UPI से तो आप बैक आ जाइएगा, पेमेंट इंटरप्ट्स UPI पे जस्ट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं आप भीम फ़ोनपे गूगल पे या पेटीएम के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए जस्ट फ़ोनपे पे क्लिक कीजिएगा तो अपना UPI ID डाल लीजिएगा और जस्ट कन्फर्म पर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं आपके फ़ोनपे पे एक नोटिफिकेशन गया होगा, वहाँ से पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप बुक किए हैं मैप तो यहाँ से मैप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से दूसरा कुछ आप खाता खतौनी बुक किए हुए हैं तो ट्रैक एप्लीकेशन वहाँ का देख सकते हैं। तो ऐसा फीचर तो आप न्यू पोर्टल के बारे में तो समझ चुके हैं जो क्या क्या फीचर दिया हुआ है, लेकिन इसको आप पूरी तरह से यहाँ इसको अप टू डेट नहीं किया गया है, जस्ट ही पूरी तरह से अप टू डेट कर दिया जाता है, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा जिसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, जिसमें कैसे खाता खतौनी निकालना और हर एक स्टेट को लाइव हो जाएगा तो वहाँ से करके आपको दिखाया जाएगा। तो जानकारी आपको इंटरेस्ट लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे किसी को भी जानकारी मिल सके कि न्यू पोर्टल जो आया है राजस्व भूमि सुधार विभाग का, तो पोर्टल किस तरह काम कर रहा है और आगे कैसे काम करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।